काहे रो रही है? कहा रहे हैं, काहे रो रही है तुम? नहीं रोए है ना, सारे ओवरलोड किया जा रहा है यहाँ पर आमों का। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। तो आज क्या है कि ना प्रफुल्ल के कहते यहाँ बाहर आया और बकरियों का खेल रहा है, छोटी बकरियाँ और ये प्रफुल्ल। प्रफुल्ल पत्थर नहीं मारना, प्रफुल्ल पत्थर नहीं मारना, पत्थर मार रहा था बेचारा। तो उधर के कहते स्कूल के बच्चे तैयार हो रहे हैं आज से। यहाँ पर झारखंड में क्या है कि 15 तारीख से स्कूल स्टार्ट से हम, तो बच्चे बस की वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ओ क्या ये तो पकड़ पकड़ाई खेल रहा है डॉगी, ये तो डॉगी तो यहाँ पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, वो भी सुअरों के साथ। तो गाइस जितने दिन हम लोग इस गांव में थे, ये प्रफुल्ल की दोस्ती बहुत सारे लोगों के साथ हुई, खास करके जानवरों के साथ भी। ये जो जानवर है डॉगी, ये इसके पीछे पीछे इसको फॉलो करता है प्रफुल्ल को, है ना प्रफुल्ल? तुमको कब से पता चला कि ये तुमको फॉलो करता है? अब तुम इसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये तुमको लेके जा रहा है अपने घर? तो हे गाइस, अभी फ़िलहाल टाइम हो गया कि हम पेपरा के इस विलेज को छोड़ के चले जाएँ और अभी दादी गाँव जाएँगे, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी में है। और हम लोग जाएंगे, इनके रोडवेज नहीं है तो इस ऑटो में जाएंगे हम लोग। ऑटो में सभी रेडी हो गए जाने के लिए, सबसे एक बारी मिल लेते हैं एक बारी, इसलिए मैं देखा जाना। हाँ मिलेंगे फिर से, हाँ मिलेंगे। जय शू, जय शू, जय शू, हेलो करो, हेलो, हाँ जय शू। ए दिव्या, दिव्या मिलेंगे ठीक है फिर से, अभी आ? अभी टाइम है हमारे पास, मिलेंगे। आना तुम इशिका को लेने आना, ईशा और इशिका को, तुम्हारी बहन को लेने आना। तुम काहे रो रही है? काहे रो रही है तुम? हाँ रो रही है, देखो तुम रो रही है जैसे दिख रही है। नदी में नहाने जाएगा बोलते हैं, पानी ज्यादा होता है। हम लोग नीचे आए हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, सोच रहे हैं कि कुछ ले जाते हैं। ठंडा मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक कौन सा है? 110 और दे दो। कैसे हैं? ठीक है। और क्या लेना है? तो बिस्किट ले लो, बिस्किट दे दो। धोने वाला साबुन नहीं लिया? धोने वाला साबुन ही चाहिए, खरीद ले लेते, खरीद ले लेते। तो चल रहे हैं मम्मी के पास ही है, यहाँ ऑटो अभी स्टॉप किया हुआ है, हम चलते हैं अभी। इसको वहाँ से हम लोग दो लिया, ये चला इधर अंदर प्रफुल्ल अपने घर, देखो कितना चला है, ये गांव का घर। अरे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ओ देखो चाची इधर प्रफुल्ल घुस गया। जैसे चाची छोटी मैया, थोड़ा सा इसी का, इसी का किसी बातें करते हैं। क्या बोलती है, क्या नाम है तिला? हाँ बताएगी क्या नाम है? Three hours later. हम लोग थोड़ा सा बाहर आए थे पानी निकालने कुएं से, सबसे पहले तो बाल्टी मैंने ही फेंकी थी और थोड़ा सा ही पानी बाहर आया था क्योंकि मेरे को टेक्निक नहीं आती है निकालने के लिए। फिलहाल तो मम्मी निकाल रही है, यहाँ पर बाल्टी घुस चुका है, मम्मी का आता है ना। Two hours later. सो गाइस दिन के 4 बज रहे हैं और हम लोग हैं अपने गांव सोनाटोली में, अपनी दादी के गांव, और लगभग कहते हैं हम लोग 11 बजे के आसपास अपने घर पहुंच गए थे। और अभी
जब हमने बहुत सारा आराम कर लिया, थक गए थे बहुत दिन से, सही नींद नहीं आई थी, तो हम अभी उठे हैं और भूख तो मुझे यहाँ पर आकर के लग ही नहीं रही गाइस की, जैसे मतलब मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भूख भी मिट गई मेरी। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने सबसे एक्साइटिंग चीज़ काम करने के लिए, गाय चराने के लिए। गाँव के जो देसी बच्चे हैं यहाँ के, वो हमारे लिए आम तोड़ के दे रहे हैं। सो जेंटल काइंड दे यार, देख लो बच्चों, प्रफुल्ल तुम्हारे लिए देखो आम, गांव के आम के पेड़ से हम लोग ने इतने सारे आम तोड़े। अभी एक लड़का चढ़ा था जिसका नाम मनीष है पेड़ में, और हमने यहाँ से लिया। हो यहाँ सीन देखने वाला गाइस, यहाँ पर तालाब है, क्या है तालाब, ओ तालाब है गाइस, तालाब, मछली भी है इसमें, पूरा मछली भरा हुआ, भूतला मछली है, भूतला पकड़ी पकड़ता है, वो ही गाय चराता है, जा जल्दी जा। हाँ वो पीछे से देख, तू पीछे देख, छोटे की गाय की तरह मार दूंगा ना, पीछे देख पीछे देख पीछे देख, देख पीछे देख, तेरे को बचना नहीं है, अरे भागो, यहाँ से बढ़िया बढ़िया टमाटर। ये हमारे चाचा हैं, चाचा यहाँ से टमाटर तोड़ रहे हैं और शायद इसमें इकट्ठा किया बहुत है ना, ये देखो यहाँ पर डालेंगे अभी, देखो पूरा पूरा भर गया है गाइस। ये है थोड़ा गांव का देसी व्यू, जिसमें गांव के लोग अपने अपने कैटल्स चराने के लिए अपने घर के से थोड़ी दूरी में जा कर के अपने कैटल्स को लेके जाते हैं। तो फिलहाल क्या कहते हैं, प्रफुल्ल को एक ही चीज़ जीत पड़ी है कि हमको जाना है नदी, और इसका दोस्त बोल रहा है कि अरे थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो, हम लोग जाएंगे ही और नहाएंगे जरूर। ऐसे कब बोला? हाँ अभी बोला मैंने, सुना आम खाने कहाँ जाएंगे, ये बोल रहा है कि आम खाने चलते हैं, चलो चलते हैं गाइस। गाइस इस पेड़ में देखो आप कितने सारे आम हैं, ऐसे प्रफुल्ल आम पक्के नहीं है, वो आम पक्के नहीं है, रहन दो रहने दो, मैं कौन से हूँ, आम ही है आम, प्रफुल्ल का ए गंदा है, नीचे देखो ना नीचे। तभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ उस साइड, ठीक है, और ओवरलोड किया जा रहा है यहाँ पर आमों का, रबर फुटे काम नहीं करने, चलो चार गाइस हम लोग नदी में हैं और नहा रहे हैं यहाँ पर, प्रफुल्ल को देख सकते हैं आप पूरा नहा रहा है, तो पूरा नहा रहा है, हम लोग घरे भी नहा कर बाहर निकलेंगे और चलेंगे घर की तरफ। क्या कर रहा है, चलो गाइस बाद में। तो फिलहाल गाइस हम लोग ने नदी में नहा लिया है बच्चों के साथ और बहुत मज़ा आया गाइस, ऐसे नदी में पानी में नहाने में बहुत मज़ा आता है, ठंडा ठंडा पानी बिल्कुल जिस स्टाइल में। पापा और ईशा भी आ गए हैं नहाने के लिए, हम लोग तो नहा चुके हैं ना, के पास वाला आम वाले है ना, वो वाले ईशा तुम नहाने आई है, हाँ साबुन पकड़े पापा, हेलो साबुन पापा को दे दो साबुन, ए पप्पू पैर हो गया, पैर के बाद शाम ढलने वाली है, सूरज ढलने वाली है और शाम हो जाएगी भी थोड़ी देर में, हम गाँव जा रहे हैं।